हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के दक्षिण दिनाजपुर में यहाँ पे आशा फैकल्टीज जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, इसके डिटेल्स में अभी आप लोग को बताऊंगा किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है आपको यहाँ पे फुलफिल करना होगा। इसके साथ साथ इसका जो फॉर्म का फिलअप करने के तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिस ऑफ सब डिविजन ऑफिसर गंगारामपुर एट बुनियादपुर दक्षिण दिनाजपुर। एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आर इन्वाइटिंग फ्रॉम द रेसिडेंट्स ऑफ गंगारामपुर सब डिविजन फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक आशा फैकल्टीज ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक्स ऑन फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन जो कि 7,500 रुपीज़। एप्लीकेशन विल बी रिसीव ऑफ द ऑफिस ऑफ सब डिविजन ऑफिसर गंगारामपुर एंड बुनियादपुर 14 नवंबर 2018 टू 14 दिसंबर 2018 तक। तो दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑफलाइन आपको जो कि इसका फॉर्म है आपको भरना होगा। इसका जो फॉर्म का लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके आप यहाँ इसका जो ऑफिस है आपको सब डिविजन ऑफिस गंगारामपुर और बुनियादपुर ऑफ वेस्ट बंगाल आपको यहाँ पर जाके जो कि इसको सबमिट करना होगा। सिलेक्शन सॉरी क्वालिफिकेशन रहेगा आपको इसके लिए मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, सोशलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट एंड मास कम्युनिकेशन और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस हेल्थ प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ प्रेफरेंस विल बी गिवेन टू कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस आशा प्रोग्राम, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस ऑन इंटरनेट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एबिलिटी टू वर्क हार्ड, विलिंग ट्रैवल एक्सटेंसिवली, शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम सब डिविजन वेयर ही और सी इज अप्लाइंग, एज शुड नॉट एक्सटेंड 40 ईयर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है वो 21 से 40 ईयर्स तक आपको यहाँ पे एज लिमिट रहेगा, जो कि SC ST के लिए यहाँ पे आपको 5 ईयर्स के एक्सटेंड मिलेगा। कैटेगरी जो है सिविल टाइप, जिसके नंबर ऑफ वैकेंट है यहाँ पे 1। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर्म क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्म है टू द सब डिविजन ऑफिसर्स SDOG गंगारामपुर एट पुनियादपुर दक्षिण दिनाजपुर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक आशा फैकल्टीज गंगारामपुर सब डिविजन। आपको नेम यहाँ पे लिखना होगा कैपिटल लेटर में, उसके बाद आपका फादर एंड हस्बैंड नेम जो भी है यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना होगा। उसके बाद आपका जेंडर आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका कैटेगरी जो कि ST है आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद रिलीजन क्या है यहाँ पे देना होगा, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका एज आपको क्या है यहाँ पे देना होगा, प्रेजेंट एड्रेस विथ पिन कोड आपको यहाँ पे वो कैपिटल लेटर में लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस जो भी है आपको पिन कोड विथ पिन कोड आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद आपका ईमेल ID। उसके बाद आपका एजेस में कितना एजेस का जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल यहाँ पे देना होगा, एजेस का डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री। तो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सा बोर्ड से आप एजेस को ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कर चुके आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड मेजर सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपको जो कि कंप्यूटर नॉलेज इन MS ऑफिस और इंटरनेट या कंप्यूटर के जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ प्रोजेक्ट अगर है आपके पास आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ ड्राफ्ट जो है आपको बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो कि बैंक ड्राफ्ट के जो आपको देना होगा, आपको बैंक ड्राफ्ट करना होगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सॉरी फिर यहाँ पे दिया हुआ है 50 रुपीज़ फॉर द एन एप्लीकेशन फी इन फ्रॉम द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 50 फॉर रिजर्व कैटेगरी टू बी सबमिट विद द एप्लीकेशन। द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली वेलफेयर समिति दक्षिण दिनाजपुर पेबल एट बालूरघाट। तो दोस्तों, इसके इसमें आपको ड्राफ्ट करना होगा, उसका ड्राफ्ट का जो डिटेल्स है यहाँ पे देना होगा। ड्राफ्ट नंबर, ड्राफ्ट
डेट ड्रॉन, बैंक ब्रांच एंड अमाउंट कितने हैं यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका डेट एंड प्लेस एंड सिग्नेचर करके आपको ये फॉर्म जो कि है आपको इस एड्रेस में जाके सबमिट कर देना होगा टू द सब डिविजन ऑफिसर गंगारामपुर बुनियादपुर दक्षिण दिनाजपुर। इसमें जाके आपको जो कि इस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद अगर क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आप जो कि दक्षिण दिनाजपुर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द आशा फैकल्टीज। अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।